नमस्कार किसान साथियों, ये हैं धर्मवीर सिंह जी और आज सुबह सुबह हम इनके फार्म पर आए हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। ये इनका फार्म है इधर, और ये इन्होंने जैविक करते हैं ये, और इनके बाग के अमरूद यहाँ पर बहुत ही पसंद किए जाते हैं। जो लोग इनके बाग से अमरूद लेकर जाते हैं ठेली वाले, तो गांव में आसपास के गांव में कहते हैं कि उनके फार्म के अमरूद खाएंगे। ये आइए अब आपको ले चलते हैं इनके बाग में। ये देखिए, ये एक मेन रोड है, बड़ा खूबसूरत है। ये एंट्री की है हमने यहाँ से, और इसके बाई ओर यानी पूरब की ओर ये एक जगह है, और पश्चिम में एक मंदिर है जो इनके पूर्वजों ने बनवाया था। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए ये मंदिर है, और यहाँ एक छोटी सी जगह छोड़ी हुई है इन्होंने, जहाँ पर ये मेरी गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर वो जैविक खाद, यहाँ पर ये जैविक खाद वगैरह बनाते हैं, ये डालते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, चलिए थोड़ा सा विचरण करते हैं। ये देखिए अभी भी खाद पड़ा है, और जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरह से ये भी देखिए इसको ढककर रखते हैं खाद को, तो जितनी आवश्यकता होती है उतना करते हैं। देखिए कितना बारीक खाद है ये दिखाएंगे। देखो इसमें ये वही वेस्ट डिकम्पोजर और जितने भी वो बताए थे इन्होंने, जो इसमें एजिटोबैक्टर एसिटोबैक्टर जितने भी वो सूक्ष्म तत्व के सब डालते हैं। देखिए डिकम्पोजर प्लस गुड़ का घोल, बेसन, हाँ बेसन और खली खली, ये जैसा मैं बनाता हूँ वही है, और इन्होंने इनसे ही मैंने सीखा था। इसमें फिर सागरिका मिला के फिर डाला हुआ, हाँ हाँ सागरिक। अच्छा आप एक बात बताइए, ये कहते हैं कि जो ये जितने भी जीवाणु होते हैं कि इन्हें खेत में डालने से कुछ दिन पहले ही मिलाना चाहिए, बहुत समय तक रख कर ये नहीं, इनकी नहीं, वो बस हाँ ये है कि वो उनका जो भी जो ये एसिटोबैक्टर है एजिटोबैक्टर ट्राइकोडर्मा है, हाँ। ये खाद में मिलाने के बाद इसको जो ना कम से कम 15 दिन तक इनको ग्रोथ हो जाती है और इनको मल्टीपल हो जाता है, और उसके कितने दिन बाद तक बाद में फिर मेन खाद में मिला के फिर डालने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। आइए चलते हैं, और यहाँ से इनका बाग शुरू होता है। ये रोड है बीच में, इसके इस तरफ लीची है अमरूद है, और ये इन्होंने एक इनका जो काम करने वाले हैं कार्यकर्ता उसको दिया हुआ है कि वो ये थोड़ी फसल बो लेता है इसमें, तो इस समय इसमें मूंग है या उड़द, उड़द उड़द बोए हुए हैं और अब पक गए हैं, बस थोड़े दिनों में कटेंगे इसको। और ये आड़ू का पेड़ है जिसकी कटिंग कराएंगे। ये अमरूद हैं देखिए जो मैंने दिखाया था, इस समय मैं आपको इनका पूरा बाग दिखाऊंगा। मैंने कई किसानों को रेफ़र किया है जो मेरे एरिया के थे कि आप उनका बाग देखो, और ये अमरूद देखिए ललित है, ये ललित है, देखिए कितने बड़े बड़े अमरूद हैं, और ये हो गए इसमें। ये देखिए, और इन्होंने 30x30 पर लीची लगाया हुआ है। जैसे देखिए ये लीची का पेड़ है, कुछ पेड़ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और 15x15 पर इन्होंने ये अमरूद लगाया हुआ है। जब लीची बड़ी हो जाएगी तब तक अमरूद का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनके पेड़ बड़े हो गए हैं अमरूद के। आप इनके बाग में सफाई देखिए, इनके पास कुबोटा ट्रैक्टर है छोटा, चूंकि ये लगभग 6 एकड़ का इनका फार्म है। और ये लीची देखिए कितने साल का, 4 साल का पेड़ है। हाँ जी,
ये देखिए मैं किन्नू भी दिखाऊंगा आपको, ये इनके बाग में किन्नू भी हैं, देखिए कितने किन्नू, कितने किन्नू लगे हुए हैं ये देखिए। और यहाँ आने पर इनका ये देखिए कितना खूबसूरत है कि इन्होंने ये शेड बनाया है, जिससे दोनों तरफ आप देख सकते हैं। ये देखिए सौंप बहुत है इनको, देखिए आपने कितना बढ़िया पत्थर लगाकर बैठकर ये सब धुलाई कर दी। और यहाँ से ये एक छोटी सी झोपड़ी है, ये मैंने दिखाई दी कितनी खूबसूरत बनाई हुई है देखिए। और यहाँ से इनका ये फार्म दिखता है ऐसे, ये देखिए चलते हैं। ये श्वेता है ये ना, ये बड़े बड़े अमरूद हैं, ये कौन सी वैरायटी है? ये श्वेता है, ये देखिए श्वेता को कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये छोटा, ये बाद में चितली सा वाला हो जाता है ना, हल्का पीला पीला हो जाता है बाद में। देखिए कितना बड़ा अमरूद है, होगा मेरे ख्याल में 200 ग्राम का अमरूद होगा अभी ये। और अभी तो बढ़ोतरी होगी, और अभी बढ़ोतरी होगी, और अच्छी मात्रा में आई हुई है। हाँ, इसमें से वैसे कम होना चाहिए था, कुछ ज्यादा इन्होंने रोक दिया। हाँ, इसमें थोड़ा मात्रा कम, ये जैसा तीन है ना तो दो, मैं दो बताता हूँ कि दो होने चाहिए, तीन नहीं कहीं भी। मुख्य अमरूद है इनके बाग में श्वेता, अलाहाबादी सफेदा और ये ललित। ललित पर बहुत फ्रूटिंग आती है और इसीलिए शायद ये छोटा रहता है। मैं दिखाता हूँ इनका जो सेटअप है, जो वेंचुरी से देते हैं ये, ये देखिए ये इनका वेंचुरी का सिस्टम है यहाँ पर। और इन्होंने ये कितना बढ़िया, ये ऊपर बेल चढ़ाई हुई है अंगूर की, और 10 ड्रम रखे हैं यहाँ पर। इन सब में वो वेस्ट डिकम्पोजर और जितने भी, अभी 10 दिन बाद जब बरसात में बंद किया हुआ था, हाँ अभी 10 दिन बाद जो है इसमें ये 200 लीटर के 10 ड्रम है, तो 2000 लीटर हमारा वेस्ट डिकम्पोजर बनता है एक साथ में। तो सब देखिए कनेक्ट किए हुए हैं। हाँ, पूसा से मैंने वो डॉक्टर युद्धवीर सिंह है, उन्होंने पार्सल से ही भेजे हैं, वो जो गैस के वो कैप्सूल आते हैं उससे हम ये डिकम्पोजर तैयार करते हैं। उसके बाद में वो तैयार करने के बाद में एक ड्रम में 2 किलो गुड़, 20 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर स्टार्टिंग वाला जो स्टॉक लोड से है, और उसको ये डालने के बाद में एक हफ्ते तक जो है ना इनको सुबह शाम 5-5 मिनट के लिए घुमाते हैं। एक हफ्ते बाद बहुत अच्छा वेस्ट डिकम्पोजर चालू हो जाता है और ये पूरा वेंचुर से पूरे फार्म पे सप्लाई होती है पानी की। ये देखिए ये इंटरकनेक्टेड हैं और यहाँ से ये खोलने के बाद ये वेंचुरी में आ जाती है। अब देखिए ये जो है ना कीटनाशक, ये किस प्रकार बनाते हैं? हाँ जी, तो इसमें क्या है ना, ये वाले में जैसे नीम की पत्ती होगी, धतूरा हो गया, आका हो गया, भांग हो गया, कनेर की पत्ती होगी, उनको बहुत बारीक बारीक काट के इसमें डाल देते हैं। फिर इसमें गौमूत्र और थोड़ा पानी डाल के इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद में फिर जब वो अच्छी तरह बॉयल हो जाता है तो फर्मेंट के लिए एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन इसमें लहसुन, उसके बाद में हरी मिर्च और तम्बाकू का पाउडर, ये तीनों इसमें मिलाते हैं, फिर गर्म कर देते हैं, फिर एक रात के लिए छोड़ के फिर अगले दिन बाद डिकेंड करके इनमें कैन में हम इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके बाद में इसका बहुत कम स्प्रे होता है, 0.2% भी आप डालोगे तो बहुत सफिशेंट है। उसमें उसमें 500 लीटर का हमारा ये स्प्रे टैंक है, इसमें हम मुश्किल से जो है ना ज़्यादा हद किया जो ना 10 लीटर डालते हैं, उससे भी कम डालना चाहिए, क्योंकि अगर कंसंट्रेटेड बन गया तो पत्तियों को ख़राब कर देगा। आप पहले थोड़े पेड़ पे डाल के देख लो जिससे आपकी पत्ती डैमेज ना हो। 2% से ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा है। और इसका दूसरा भी तरीका है, जैसे बरसात में कोई काम नहीं रहता, अब जैसे हमने ये 500 लीटर का ड्रम है, इसमें पानी भर के सारे ये पत्ते इसमें डाले हुए हैं, एक महीना हो गया, अब इनको अच्छी तरह से स्क्वीज करने के बाद में इसका वो जो ना सोल्यूशन निकाल लेंगे, इसमें फिर जो ना इसको गर्म करके गौमूत्र में वही लहसुन हरी मिर्च पत्ते पड़े हुए। हाँ जी, हाँ जी, गौमूत्र पड़ा हुआ है या? हाँ हाँ, नहीं गौमूत्र भी थोड़ा डाला हुआ। अच्छा। वो गर्म उसमें, उसके बाद जो ना इसमें फिर इसको दोबारा फिर फर्मेंट तो हो गया, निकल गया जो उनका रस था, उसके बाद में इसको बाद में इसमें हरी मिर्च लहसुन और तम्बाकू का घोल थोड़ा बॉयल करके डाल देंगे तो ये बहुत बढ़िया वो बन जाए। रणवीर सिंह जी ये बताइए, जो आप जैविक कहते हैं कि हम जैविक करते हैं, तो खाद
प्रति पौधा, जैसे आपके 4 साल के पौधे हैं, कितना डालते हैं और उसे किस प्रकार तैयार करते हैं? देखो, इसके भरपूर पोषण के लिए ना, आपको पहली बात तो ये है कि सोयल टेस्टिंग करानी पड़ेगी, आपकी ज़मीन में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पीएच वैल्यू, फिक्स कार्बन, ये सब कराने के बाद में, माइक्रोन्यूट्रिएंट कराने के बाद में कितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको हर पेड़ में उसको पोषण देना है। तो हम लोग तो जैसे वेस्ट डिकम्पोजर जब पानी देते हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन उसके घोल में चलाते हैं, और उसके अलावा हम जो है ना जीवामृत भी बनाते हैं और घन जीवामृत भी बनाते हैं, उसको पेड़ों की जड़ में डालते हैं। उसके बाद में मेन जो हम करते हैं जिससे पूरा पोषण उसको मिल जाता है कि कल भी जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग जो ना कंपोस्ट खाद ले लेते हैं, कंपोस्ट खाद में लेके अलग से कुछ पोर्शन में जितने भी जीवाणु कल्चर हैं, जैसे एसिटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, एनपीके कंजोर्टियम है, आपका जो ना ट्राइकोडर्मा है, सुडोनोमनास है, उनको कंपोर्शन में मिला के जब उनके जीवाणु वो डेवलप हो जाते हैं, फिर जो जितनी मात्रा में आपको डालना है खाद उतनी मात्रा में उसको मिला लेते हैं, और फिर हर पौधे की जड़ में हम कम से कम जो ना 15 किलो से 20 किलो डालते हैं उसको, और उससे उसी टाइम में हम उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट सागरिका वाला ग्रेन्यूल फॉर्म वाला है वो उसमें मिला देते हैं। ये तो हो गया नीचे की ज़मीन की पूर्ति। कितनी मात्रा, मतलब 20 किलो के आसपास? हाँ, 20 से 25 किलो भी खाद कितनी भी मात्रा में डाल दो, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, और अगर 15 से 20 किलो बहुत सफिशेंट है एक पेड़ के लिए। उसके बाद जो ना, क्योंकि आपने माइक्रोन्यूट्रेंट भी डाल लिया, जीवाणु कल्चर भी उसमें हो गया, हम क्योंकि 3 साल से इसमें कोई भी एनपीके वगैरह, डाई, यूरिया, पोटास नहीं डाल रहे, उसकी और पोषण देने के लिए हम फॉयलर स्प्रे करते हैं, ज़मीन में नहीं डालते। किस किस चीज़ का? हाँ, फॉयलर स्प्रे में हम लोग जो ना आजकल बहुत अच्छे अच्छे बायो फर्टिलाइज़र वाले ही हैं, जैसे इसका जो सागरिका का जो है लिक्विड फॉर्म भी आता है, उसमें सारे माइक्रोड हैं, जिंक है, कॉपर है, जितने काफ़ी 11 माइक्रो न्यूट्रेंट है उसमें, उसके साथ में 52-34 में मिला के उनको मिला देते हैं और उससे फिर स्प्रे कर देते हैं। 52-34 तो केमिकल हुआ? नहीं, वो केमिकल हुआ पर उसकी बहुत कम मात्रा डालते हैं, और आजकल से बहुत से जीवाणु कल्चर भी ग्राम प्रति लीटर करते हैं उसमें। वो ये 500 लीटर का ड्रम है हमारा, तो उसमें सिर्फ एक पैकेट हम डालते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, बाकी माइक्रो न्यूट्रेंट डालते हैं, और इसमें जो अगर जब तक फल नहीं आते हम जो ये कीटनाशक जो तैयार किया हुआ है इसका स्प्रे करते हैं हम 3 बार फल आने से पहले, तो उससे वो रोग प्रतिरोधक है, रोग नहीं आने देता। अब ये हमारे बाग में पिछले साल जितना रोग आया था, फल आने के बाद नहीं हम लोग डालते, क्योंकि उससे थोड़ा फर्ट की वजह, क्योंकि ये सब बहुत इसमें जो है तम्बाकू भी है, हरी मिर्च भी है, लहसुन भी है, और गोमूत्र भी है, तो उससे फल पे इफेक्ट आ सकता है। तो अच्छा, आपके अनुभव के अनुसार धर्मवीर सिंह जी, के जो कीटों का प्रकोप होता है वो किस समय सबसे अधिक होता है साल में? देखो, कीटों का प्रकोप तो एक तो बरसात में के बाद में हो जाता, फंगस आ जाती है, और उसके बाद में उसमें जुलाई अगस्त में, हाँ उसके बाद जो है ना उसी टाइम में जो आपके जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स है उनके भी जो बीमारियां होती है वो भी आती हैं, तो उस टाइम में आप अगर आपने पहले प्रतिरोधक डाला हुआ तो वो बीमारी कम आएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मेरा तो पूरा 100% जैविक है मुझे नहीं करना, क्योंकि आपको अपनी फसल को भी बचाना है, तो बहुत कम मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट हो आप फंजीसाइड और उसको कम, बहुत कम मात्रा में यूज कर सकते हो जिससे आपके पौधे डैमेज ना हो। अच्छा, तो आप कितने प्रकार के कीटनाशक बनाते हैं? नहीं, हम तो जैविक कीटनाशक ही बनाते हैं, जो ये पत्तियों का, हाँ, ये वाला बनाते हैं, बाकी जो खाद में। जीवामृत की कितनी मात्रा साल में कितनी बार देनी चाहिए हमारे? जीवामृत का तो ऐसा है, आप दिन में मतलब साल भर में 3 या 4 बार भी पेड़ों की जड़ में डाल दो, पर जीवामृत में जब भी आप डालो, क्योंकि ये जो जीवामृत है इसमें फंगस होने के थोड़ा चांस है, तो अगर आपने बराबर उसको टाइम से वो नहीं किया, इसमें आप जो ना अगर आप जो ना वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन मिला देंगे
तो वो उसको जो कच्चा गोबर है जो बचा हुआ उसको वो डिकम्पोज कर देगा, फिर आपको पेड़ पौधों को नुकसान नहीं। किसान साथियों देखिए, जो सुभाष पालेकर हैं तो मैं उनको उन पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि लोगों ने उन्हें कृषि वैज्ञानिक पता नहीं क्या क्या पदवी दी है, मैं नहीं मानता और बहुत लोग नहीं मानते। आज एक कितना अच्छी बात है कि हमारे धर्मवीर सिंह जी जो सुभाष पालेकर जी की बताई हुई दवाई कीटनाशक बनाते हैं, लेकिन सुभाष पालेकर जी जितना विरोध उन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर का किया है वो वेस्ट डिकम्पोजर को उतना ही अधिक प्रयोग भी करते हैं। हमें ये बात ध्यान रखना है कि एक कहावत है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता देवड़ा। सबके अंदर थोड़ी कमी होती है, अच्छाई भी होती है। आप उस आदमी की अच्छाई का प्रयोग कीजिए और दूसरे आदमी को जिसको करता है, हर आदमी की कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो इन्होंने वहाँ से कीटनाशक भी लिया और पूसा से वेस्ट डिकम्पोजर भी लिया और आपका जो ये कृष्ण चंद्र जी वाला है डिकम्पोजर वो भी प्रयोग किया, खाद बनाने का जो तरीका है उसे भी उस तरह से ही प्रयोग किया। तो ये बातें मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि आँख मूंद कर किसी पर विश्वास। इसमें हम जो ना एक साल भर में दो बार जो ना पंचकर्मवे का छिड़काव और करते हैं, पंचकर्मवे जो है उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उसमें क्या वो फिक्स कार्बन जो होता है ना उसकी मात्रा अगर आप जड़ों में भी डाल दो और जब फ्रूटिंग ना हो उस टाइम में अगर उसका स्प्रे कर दो वो तो सिर्फ जो है ना 0.2% का स्प्रे होता है, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं पंचगव्य। अच्छा, पंचगव्य को किस वक्त करना चाहिए हमें, लगभग आप किस समय साल में कितनी बार स्प्रे? पंचगव्य हम साल भर में दो बार करते हैं। किस समय? ये समझो कि फ्रूटिंग आने से पहले वाला जो स्टेज है, मतलब हर 6 महीने पे दो बार कर देते हैं, तो कभी कभी 2 महीने के इंटरवल पे भी कर देते हैं। में तो देखो फलाने के बाद तो हम कोई इनमें से कोई स्प्रे करते नहीं है, ये फलाने से पहले सब करते हैं, ऐसा है। अच्छा धर्मवीर सिंह जी, बरसात में एक समस्या आती है मिलीबग की। हाँ जी, हाँ। तो आपके यहाँ भी कभी ना कभी आई होगी। हाँ। आपने उसका कंट्रोल कैसे करते हैं? देखो मिलीबग है ये वाली, जैसे मिलीबग हो गया आपका, ये विल्ट वाली बीमारी होगी, और ये अभी आजकल नेमाटोड का भी एक दो पेड़ में हमारे यहाँ भी आया हुआ है। इसका तो जो लिटरेचर में मैंने पीडीएफ भी लिया हुआ, फिर डॉक्टर अनिल कुमार जी से भी बहुत अच्छी बात, हाँ वो ना उनसे भी डिस्कस करके, तो वो उसी हिसाब से जो एक दो जिस पेड़ में लगा हुआ है उसका ट्रीटमेंट आप कर लो, पूरे बाग का ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। तो ये थे साथियों, ये थे धर्मवीर सिंह जी जिनके फार्म ये चंदना कोली गांव है देवबंद तहसील में और जिला सहारनपुर में। मैंने यहाँ पर कई किसानों को भी भेजा, सब बहुत खुश हुए। और अगर आप भी चाहते हैं तो इनके गांव में आए और मुझसे बात कर लें, चूँकि मैं इनका फ़ोन नंबर नहीं देना चाहता, ये बहुत शांत प्रिय व्यक्ति हैं, इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन अगर आप फार्म पर आएंगे आपके साथ पूरा समय व्यतीत करेंगे और देना चाहे तो दे दो, कोई बात। चलिए ये मैं आपका इनका फोन नंबर दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, आप इसे फोन नंबर पर इनसे समय लेकर इनके फार्म पर आइए और देखिए ये कितनी अच्छी मतलब बागवानी करते हैं। मैं कल शाम आया था, रात को इनके पास रुका, बहुत चर्चा हुई। और जैसा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सोच समझकर आप वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा अपनाएं उसमें करें। इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।